नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में पहला आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? एक सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। इसे हम वॉइड सेट भी बोलते हैं और हम इसे नल सेट भी बोलते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं किससे? फाई से, ये वाला सिंबल, और सिर्फ कर्ली ब्रेसेस बना देंगे, उसमें कुछ भी नहीं डालेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा? एम्प्टी सेट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखी है हमने, x such that x belongs to natural number। x किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को। एंड x lies between 1 से 2, ठीक है, यानी कि 1 से बड़ा है और 2 से क्या है? छोटा। क्या 1 से बड़ा और 2 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता है? नहीं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा? एम्प्टी सेट हो गया। ये सेट बिल्डर फॉर्म है। इसको जो हम बोलते हैं, इसको हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। ये एम्प्टी सेट की रोस्टर फॉर्म होती है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं। x such that x belongs to real number। x किसको belong कर रहा है? real number को। and x square equal to minus 1। अब यहाँ देखते हैं x square किसके? minus 1 के बराबर है, तो x क्या आएगा? under root minus 1। और ये under root minus 1 real number नहीं होता, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? एक empty set हो गया। next आता है हमारा singleton set। singleton set क्या होता है? a set containing exactly one element। कोई एक ऐसा set जिसमें सिर्फ एक ही element हो। जैसे ये हमारा सेट है ए, इसमें कितने एलिमेंट हैं? एक एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया? सिंगलटन सेट। ये बी सेट है, इसमें भी कितने एलिमेंट हैं? एक एलिमेंट, तो ये भी क्या हो गया? सिंगलटन सेट। अब इसकी एक सेट बिल्डर फॉर्म में देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को। एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। एक्स स्क्वायर कितना? 9 है। अगर हम इसको सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर 9, तो एक्स कितना आया? प्लस माइनस 3। नेचुरल नंबर वैल्यू 2 आई है, लेकिन नेचुरल नंबर तो इनमें से बस 3 है। तो जब हम इसकी फॉर्म लिखेंगे तो ये आ गया 3, ठीक है। तो माइनस 3 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि माइनस 3 नेचुरल नंबर नहीं होता, तो इसलिए ये भी क्या हो गया हमारा? सिंगलटन सेट। नेक्स्ट फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? एन एम्प्टी और नॉन एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी भी हो सकता है, नॉन एम्प्टी भी हो सकता है सेट, इन विच द काउंटिंग ऑफ द एलिमेंट्स श्योरली कम्स टू एन एंड, ठीक है। यानी कि हम जब एलिमेंट्स की काउंटिंग करेंगे तो वो एक एंड तक पहुंचनी चाहिए। जैसे ये दिया हुआ है हमें एक सेट ए, 1, 2, 3, 4, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4। इसका मतलब ये फाइनाइट सेट है। एक और देख लेते हैं, 2, 3, 5, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें? 3 है, काउंट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी क्या है हमारा? एक फाइनाइट सेट है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0, इसका मतलब एक्स इक्वल टू 25 एंड एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 5। एक्स क्या आ गया? प्लस माइनस 5, ठीक है। यानी कि कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे इसमें? 2, 5, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया हमारा? एक फाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट द सेट ऑफ ऑल पर्सन्स ऑन अर्थ। इस अर्थ पे जितने भी पर्सन हैं उनका जो सेट होगा, ठीक है, वो भी क्या होगा? एक फाइनाइट सेट होगा। टाइम लगेगा काउंट करने में, लेकिन काउंट हो सकते हैं ये सारे, ठीक है। एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में क्या है? अ सेट विच इज़ नॉट फाइनाइट। वो सारे सेट्स जो फाइनाइट नहीं होंगे वो क्या होंगे हमारे? इनफाइनाइट सेट होंगे। इसमें एग्जाम्पल में सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन। अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अब लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, ठीक है, तो लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं है। अब इस पर कितने पॉइंट्स होंगे? इस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ लाइन इज अ इनफाइनाइट सेट, ठीक है। नेक्स्ट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब यार नेचुरल नंबर, अगर कोई बोले कि मुझे सबसे बड़ा नेचुरल नंबर 100 पता है, ठीक है, तो दूसरा बोलेगा 101 पता है, फिर उसके आगे भी, तो यानी कि हमें नहीं पता कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, ठीक है। अगर हमें नहीं पता कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है, तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी हमारे क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट सेट्स में आ जाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स होते कितने हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 2। अब जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं वो भी नहीं पता कितने नंबर्स में कितने होते हैं वो, तो ये भी हमारा क्या होगा? एक इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा इक्वल सेट्स। अब इक्वल सेट है यहाँ पर, तो ये दो सेट होंगे, तो 2 नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट होंगे ए एंड बी, ये इक्वल होंगे कब? इफ़
दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट. हम यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होंगे और वो एलिमेंट भी सेम होंगे. जिसे यहाँ 2, 4, 6 लिखा है तो यहाँ भी 2, 4, 6 होगा. ऐसा हो सकता है कि इनका ऑर्डर अलग हो, 4, 2, 6, ठीक है, ये भी इक्वल होगा. अगर हम यहाँ बात करें ए इक्वल टू बी, हाँ, ए इक्वल टू सी और बी इक्वल टू सी, ये सारे बराबर हैं, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर. ये सारे हमारे क्या होंगे, एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए यहाँ पे. ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा इक्विवेलेंट सेट्स. अब इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, 2 फाइनाइट सेट्स, ठीक है, ए एंड बी, 2 फाइनाइट सेट होंगे ए एंड बी, आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट इफ, ये जो हमने लिखा है इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी. मान लो हमारे पास एक सेट है ए, उसमें हमारे पास है ए बी सी, और दूसरा हमारे पास एक सेट है बी, उसमें एलिमेंट है 1, 2, 3. अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 3 हैं, ठीक है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, इसमें भी हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, देयरफॉर ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट. पर क्या ये इक्वल सेट होंगे, नहीं, इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है पर ये इनके जो मेंबर्स हैं वो सेम नहीं है, तो इसीलिए ये क्या नहीं होंगे, ये इक्वल नहीं होंगे लेकिन ये इक्विवेलेंट होंगे. एक और देख लेते हैं, एक सेट है हमारे पास पी एल एम एन और दूसरा सेट है हमारे पास क्यू एम एल और एन. इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे, 3. इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3. क्या ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं, हाँ, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं, सेम. क्या ये इक्वल सेट्स हैं, हाँ, ये इक्वल भी होंगे. क्यों होंगे इक्वल, क्योंकि इसके मेंबर भी एल एम एन है और इसमें भी एल एम एन है, तो ये वाला जो सेट है ये इक्वल भी होगा और इक्विवेलेंट भी होगा. लेकिन ये वाला जो सेट है ये इक्विवेलेंट तो होगा पर इक्वल नहीं होगा, ठीक है. अब वही हमने लिखा भी है यहाँ पर, इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट. जो जितने भी इक्वल सेट्स होते हैं वो सारे इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन सारे इक्विवेलेंट सेट इक्वल हों ये ज़रूरी नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा कार्डिनल नंबर. कार्डिनल नंबर क्या होता है, जैसे हमने इसमें पढ़ा कि ए, एक सेट है हमारे पास ए बी सी, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3, ठीक है. तो वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज नोन एज कार्डिनल नंबर. कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, जैसे ये दिया हुआ है हमें ए ई आई ओ यू. अब अगर हमसे पूछे इसका कार्डिनल नंबर क्या है, ये कार्डिनल नंबर यानी कि अगर ऐसे लिखा हुआ ना, इसका मतलब है कार्डिनल नंबर ऑफ ए, इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए. तो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 5, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना हो गया, 5.